बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे तालिबे-ए-इल्मों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। जमात अव्वल, सरगर्मी, कवायद। आज हम कवायद में अल्फाज और इसके मतजाद पढ़ेंगे। मतजाद का मतलब होता है लफ्ज का उलट, जिद या मतजाद। जैसे कि पहला लफ्ज है तेज, इसका मतजाद है सुस्त। ठंडा, गरम, अल्फाज मतजाद। नरम, सख्त, ऊपर नीचे, अल्फाज मतजाद। लफ्ज है जवान, मतजाद है बूढ़ा। साफ, गंदा, अल्फाज मतजाद। बड़ा, छोटा। खुश, उदास, अल्फाज मतजाद। कम, ज्यादा, अंदर बाहर। सरगर्मी आठ, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज को इनकी जिद से मिलाइए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अल्फाज के उलट को, उसकी जिद को और मतजाद कहते हैं। जैसा कि अल्फाज के कॉलम में नंबर एक पर लफ्ज है तेज, सामने दिए गए मुतजाद के कॉलम में से आपने इसका उलट या मुतजाद या इसकी जिद तलाश करनी है। तेज का नीचे ये नहीं हो सकता, बूढ़ा ये भी नहीं हो सकता, सुस्त। जी हाँ, तेज और सुस्त। इस तरह आपने अल्फाज को मुतजाद से मिलाना है। नंबर दो, ठंडा। ठंडा के सामने मुतजाद लिखा है बूढ़ा, ये नहीं हो सकता, सुस्त हो चुका है। गरम, जी हाँ, ठंडा शरबत और चाय गरम होती है। आपने इस तरह इस सरगर्मी को अपनी किताब में मुकम्मल करना है। नंबर तीन पर है नरम, नंबर चार पे है ऊपर, नंबर पांच पे है लफ्ज जवान। सामने दिए गए मुतजाद में से तलाश करना है इनके और अल्फाज को उन मुतजाद से मिलाना है। नंबर छह पर है साफ, नंबर सात पे है बड़ा, नंबर आठ पे है खुश, नंबर नौ पे है कम और नंबर दस पे है अंदर। आपने इन अल्फाज के उलट को मिलाना है। सरगर्मी वीडियो की मदद से किताब की सरगर्मी आठ सफा नंबर 97 पर मुकम्मल कीजिए। जी हाँ, आपने सरगर्मी को तवज्जो से सुनना है, देखना है और फिर सरगर्मी को मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला खैर।